डिपार्टमेंट होने वाला है नाइटी डिपार्टमेंट। ये हमारे किट्टू का फेवरेट है, बिल्कुल जी। हम लोग इसको कहते हैं गमछा अपने भाषा में। यहाँ 10 साड़ी का ढेर हो जाए तो उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे इतनी सारी साड़ियाँ हैं। कॉटन साड़ी सेक्शन है, आप देख रहे हैं ये जो साड़ियों का पूरा भरमार पड़ा है ना। ओ हमारी सोनाक्षी, ये छोटी सी प्यारी सी बेबी ने लहंगा पहना तो आइडिया। नमस्कार जी, स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस नए ब्लॉग में। आज हमारा है सूरत में दूसरा दिन। पहला दिन तो कैसा रहा आप लोगों ने ब्लॉग देख लिया, उम्मीद करते हैं कि आज का दिन अच्छा हो। और हम लोग आज लोकल जो टेक्सटाइल मार्केट है उसको एक्सप्लोर करेंगे, तो किया नहीं जाता आज करेंगे प्रॉपर, और देखते हैं कितने सस्ते में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। और हमारी किट्टू मैडम का बर्थडे है, उनको भी शॉपिंग करना है। हाँ जी, इनको बर्थडे के लिए भी शॉपिंग करना है, तो ये है किट्टू जी। बर्थडे पे थोड़ा बहुत हम भी शॉपिंग कर लेते, आप करवाइएगा। तो करोन मना कौन किया, मना कौन किया? है। अभी अब चलते हैं यहाँ से होटल से, हम लोग अब चेकआउट कर रहे हैं। अभी बज रहे हैं 9:30, 10 बजे तक का चेकआउट का टाइम है, तो निकलते हैं यहाँ से। 20 मिनट्स लेटर। नंबर का लिफ्ट से आ गए यहाँ 8th फ्लोर पर और जा रहे हैं अजमेरा फैशन। बहुत सुना है जी उसके बारे में, और यूट्यूबर का वीडियो भी देखा हमने कि अजमेरा फैशन में इस तरह के रेट पर आपको सामान मिल जाता है, तो हम भी जरा देखना चाहते हैं जी। यहाँ पर देखिए जी, ओवरऑल जो है ना यहाँ पर बल्क में ही सामान मिलता है। पहले बता दूँ, यहाँ पर ये लोग असल में बिजनेसमैन को बेचते हैं, मतलब होलसेल वाला काम होता है। लेकिन अगर आप अच्छा खासा सामान उठाना चाहते हैं एक लॉट अपने परिवार के लिए, कोई फंक्शन हो कोई शादी हो, तो उसके लिए आप लोग ले सकते हैं। लोग सोच रहे हैं कि साड़ी मिला ढंग का, अगर एक सेट ही होगा तो ले लेंगे सभी के लिए। मम्मी के लिए भी हो जाएगा, मौसी के लिए भी हो जाएगा, चाची के लिए भी हो जाएगा, जिया की मम्मी को भी दे देंगे। कुर्ती सब लेना होगा, कुर्ती का भी सेट ले लेगी। चलते हैं जी अंदर, देखते हैं क्या सिस्टम है। अजय सर का मेन ऑफिस है। अजय सर का मेन ऑफिस है, मेन ऑफिस है, ठीक है। और ये आपका कैश काउंटर है, कैश काउंटर है। यहाँ पर मतलब फोन पे गूगल पे सब यूपीआई लेते हैं। और ये जो है बिलिंग, अच्छा डिपार्टमेंट है जहाँ यहाँ बनता है। ओके, ट्रांसपोर्ट विभाग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट है जहाँ जो जो पार्सल जाती है ना उसका बिरयानी बनता है। अच्छा, हेलो वैष्णवी जी, ठीक है चलते हैं। ये रिसेप्शन एरिया, यहाँ पर सभी लोग बैठते हैं और जिनको भी वेट करना होता है वो यहीं से वेट करते हैं। जी हाँ, और आपको यहाँ से एक सेल्समैन दिया जाता है, और वो सेल्समैन आपकी लैंग्वेज का होता है, भले आप हिंदी गुजराती तमिल तेलुगु। अच्छा, मल्टीपल लैंग्वेज में यहाँ पर सेल्समैन, हर लैंग्वेज के सेल्समैन हमारे यहाँ। ये बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है, आप अपनी भाषा में कम्फर्ट होके बात कर सकते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पर हमारे अमित भाई और किट्टो जी भी हैं। अच्छा, फोटो शूट चल रहा है क्या इधर? भाई और हमें लगा पोज दे रही है। आपको क्या क्या मिल जाएगा, तो ये जो काउंटर है रेपियर कॉटन जिसको कहते हैं, वो रेपियर कॉटन आपको यहाँ पर मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं कौन कौन सी चीजें। और तो नेक्स्ट जो हम आ चुके हैं कॉटन साड़ी सेक्शन है, आप देख रहे हैं ये जो साड़ियों का पूरा भरमार पड़ा है ना, ये देखिए नीचे के एंगल से अगर देखेंगे तो ये पूरा एक लेयर बन चुका है साड़ियों का, और ये गद्दे जैसा पूरा बिछ चुका है, इतनी सारी साड़ियां हैं। और ये साड़ियां हैं ओनली कॉटन की। अच्छा जी, पूरा कॉटन का ही यहाँ पर एरिया। कॉटन में ये देखिए कुछ इस तरह से लंबी फोल्डिंग की गई है जिससे लुक इसका अच्छा आ जाता है, और कैटलॉग के साथ ये चीज दी गई है। हाँ जी, और रेट की अगर बात करूँ तो आपको लाइव वीडियोस में रेट नहीं बता सकते, इसका रीजन ऐसा है कि हमारे जो होलसेलर सेल करते हैं सिंगल पीस आपको हमारे यहाँ पर नहीं मिलता। तो नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। A few moments later. जो काउंटर हम आ चुके हैं मैम, ये काउंटर है सिल्क साड़ियों का सेक्शन, मतलब सिल्क में जितनी भी साड़ियाँ होती है कलेक्शन होता है, बनारसी साड़ी, पट्टू साड़ी, कांजीवरम साड़ी, जितनी भी होती है महाराष्ट्र में पैठनी साड़ी जिसको कहते हैं, वो सारी साड़ियाँ मिल जाती है। चलिए एक दो हम सैंपल देख लेते हैं, ये कलर मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखाना चाहती हूँ। अच्छा जी, ये की देखना चाहते हैं, ये है कैटलॉग। जी हाँ, और कैटलॉग से आप इसको मैच करिए, एकदम लग रहा है एक जैसा, एकदम सेम सेम है भाई, दिखता है वही मिलता है। प्रिंट देखिए आप कितना खूबसूरत है, फ्लावर बना है मैम, ये जरी है
वीविंग का काम किया गया है इसके ऊपर, मतलब इसकी एक अलग मशीन होती है। अच्छा जी। स्पेशली धागा होता है जो रेशम का होता है। बहुत मेहनत अच्छा होता होगा। जी जी हाँ, ये हमारे कारीगर खुद बनाते हैं। मतलब सूरत में जो सिल्क का कपड़ा बनता है उसका प्लस पॉइंट ऐसा होता है कि नेचुरल सिल्क जो होता है ना उसमें कीड़े लग जाते हैं, लेकिन कीड़े नहीं लगते, इवन चूहा तक इसको नहीं खा सकते। अच्छा जी। सेल्समैन आपको साड़ियाँ दिखा रहे हैं, एक सेल्समैन नोट डाउन कर रहे हैं जो जो चीजें आप यहाँ से खरीदते हैं। तो ये हमारी सिस्टम है, आपके लैंग्वेज के सेल्समैन होते हैं, जो लैंग्वेज आप प्रिफर करते हैं वही लैंग्वेज के सेल्समैन। ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा। अच्छा मैम, जैसे मैंने हमने यहाँ पे कोई चीजें बल्क में ली, ठीक है, वो हमें खुद कैरी करके ले जाने की टेंशन नहीं है। जी सर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बाय हैंड लेके जाना चाहे तो आप खुद से लेकर जा सकते हैं, या फिर आपको पार्सल करवाना हो, ट्रांसपोर्ट के थ्रू करवाना हो, ट्रांसपोर्ट आप चूज कर सकते हैं, आपको कुरियर से। मैम ऐसा तो नहीं कि हम कोई चीज ले लें फिर वो हमारे यहाँ पहुँचे ना, उसके लिए फिर क्या प्रोसीजर है? उसका प्रोसीजर ऐसा है कि हमारे यहाँ से हर एक चीज की मेडिक्लेम करके मिलता है, मतलब इंश्योरेंस किया जाता है कि जब तक ये चीजें आप तक पहुँच नहीं जाती ये हमारी जिम्मेदारी होती है। ये जो साड़ियों का सेक्शन है, हम सेक्शन वाइज देख रहे हैं हमारे यहाँ कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो ये सिंथेटिक साड़ी का सेक्शन है विदाउट लेस बॉर्डर की साड़ियाँ। तो चलते हैं आगे। तो मैम आप क्या दिखा रहे हैं? आपने सिंथेटिक साड़ी जो डिलीवरी साड़ी होती है उसका तो देखा, लेकिन वो विदाउट लेस बॉर्डर था। अब हम आ चुके हैं विद लेस बॉर्डर साड़ीज में। तो चलिए देखते हैं कैटलॉग। जैसे कि मैंने कहा सिंगल पीस नहीं मिलता तो आपको कैटलॉग लेना पड़ता है, तो हर एक चीज का कैटलॉग आपको मिलता है। ये आइडिया आ रहा होगा यहाँ से, ये देख रहे हैं हर एक कलर अलग है, डिजाइन अलग है इसके ऊपर की। ये देखिए इसके डार्क कलर है, इसके सिंपल है, इसके डिफरेंट कलर है, डिजाइन डिफरेंट है। तो 10 साड़ियां हैं तो 10 के 10 कलर अलग हैं। अच्छा बच्चे, हमने एक पसंद किया डिजाइन और उसके अंदर जो भी बंडल होगा उसके अंदर 10 अलग अलग कलर के होंगे। जी हाँ, और बंडल आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से बंडल होता है, कलर अलग अलग, और सारे कलर अलग है, सारे डिजाइन अलग है। तो भैया ये बंडल तो हम लेके जाएंगे। मतलब किसी को परचेज करना है तो एक बंडल लेकर के जा सकता है यहाँ से, लेकिन सिंगल नहीं। बिजनेस की अगर बात करें तो सिंगल एक बंडल में आप कैसे बिजनेस करेंगे? नहीं बिल्कुल समझ सकते हैं। नहीं बाई चांस मान लीजिए कोई बिजनेसमैन नहीं है, हाँ। लेकिन उसको मन है कि यहाँ से ले करके जाए, हाँ। कि पसंद आ गया ये तो लेना ही है, तो एक बंडल लेकर के अपना जा सकता है। जी हाँ, जी हाँ। अब हम आगे हैं जी अलग सेक्शन में, और उससे पहले आपको एक थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा दिखा देते हैं। ये लग रहा है कि साड़ियों का ढेर है यहाँ पर, लग रहा है कि पूरा एक दीवार ही खड़ा कर दिया गया है। हाँ, ये साड़ियों को नंबर्स दिए गए हैं। अच्छा ये नंबर है। ये नंबर्स दिए गए हैं साड़ियों के, क्योंकि इतनी सारी डिजाइन है, इतने सारे कलर से नाम और नंबर दिए बिना कैसे पहचानेंगे? सही बात है, हमारे यहाँ 10 साड़ी का ढेर हो जाए तो उसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ तो इतनी सारी साड़ियाँ हैं। हम आ गए एक नए सेक्शन में, और यहाँ पर यह ब्राइडल सेक्शन है। इसके अंदर क्या होने वाला है? सबसे पहले मैं तो बॉक्स दिखा देती हूँ। और क्वालिटी वाइज देखिए, ये देखिए अगर मैं खोलूँ तो काफी रॉयल पैकिंग की गई है, और इसके अंदर निकलेगी ब्राइडल साड़ी। ओहो, ये देखो ये ब्राइडल साड़ी है, और काफी अच्छी मार्जिन में ये चीज दिखती है। अगर आप 2-3 साड़ियाँ भी अपनी दुकान में रखेंगे, अपने घर पे रखेंगे, तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कस्टमर ऐसी चीजों को खरीदे। अच्छा, क्योंकि देखते ही इंसान मोहक हो जाता है कि भाई कितनी अच्छी चीज। तो नेक्स्ट हम आ चुके हैं ड्रेस मटेरियल, जो अनस्टिच सूट होता है उस सेक्शन में हम आ चुके हैं। चलिए एक दो सैंपल्स आपको दिखा देते हैं। तो आप ये बंच देख रहे हैं, सबसे पहले 4 कलर है, तो 4 के 4 कलर आप देख लीजिए डिफरेंट है। तो ये कौन सा कलर पसंद आ रहा है मैम? पिंक। चलिए यही निकाल देते हैं, मैम को पसंद आया तो। ये पैकिंग आप देख रहे हैं, पहले तो पूरी ओवरऑल पैकिंग है, उसके बाद पॉलिथीन पैकिंग की गई है, और आप जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसकी एक और थर्ड पैकिंग की जाती है। ये इसके अलावा आप कलेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर लाइव परचेसिंग चल रही है, मतलब कस्टमर खरीद रहे हैं और बता रहे हैं कौन कौन सी चीजें हैं हमारे सेल्समैन आपको गाइड कर रहे हैं। बॉटम डिपार्टमेंट, बॉटम डिपार्टमेंट मतलब जो लेगीज जेगीज प्लाजो शरारा गरारा जितने जॉगर जॉगर जितने भी बॉटम वेयर की आइटम होती है वो सारी यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ कुछ सैंपल्स हमने लगाए हैं, चलिए चलते हैं आगे और बताते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो ये काउंटर होने वाला है लड़कियों का फेवरेट डिपार्टमेंट, वो है कुर्ती या फिर अनारकली। तो देख लेते हैं कुर्ती डिपार्टमेंट की वैरायटी। कैटलॉग आपको हर किसी चीज के साथ मिल जाएगा, रेंज आपको 55 रुपीज से स्टार्टिंग रेंज मिल जाती है। 55 रुपीज स्टार्टिंग रेंज। चलिए चलते हैं, यहाँ पर भी देखा ये बहुत सारी कुर्तियाँ हैं, डिपार्टमेंट है।
अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए होती हो तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जी, इनका जो नंबर है यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर कॉल करके इनसे क्वेरी कर सकते हैं। और इनका नंबर जो डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। एड्रेस भी डाल देंगे, अगर आप लोग पर्सनली यहाँ करके देख सकते हैं तो ये तो और अच्छी बात है जी। भाई साहब, अभी तक आप लोग को दिख रहा था लेडीज का डिपार्टमेंट, अब आगे हम लोग जेंट्स के डिपार्टमेंट में। जी हाँ, ये आपकी फेवरेट चीज है जो है मेंस वेयर। जींस, टी शर्ट, जो स्टिच सूट का कपड़ा होता है वो, ट्राउजर, फॉर्मल, कैजुअल, हर तरह की चीज मिल जाती है। चलिए एक दो देख लेते हैं, और काफी अच्छा है, चेक पैटर्न में है। ठंडी आती होगी तो ठंडी के कपड़े भी मिलते होंगे। जी हाँ, हर तरह के कपड़े, सीजनेबल कपड़े मिलते हैं। और एज अ होलसेलर ये सारी चीजें हम रखते हैं, ताकि कोई अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो तो वो अपनी वैरायटी यहाँ से मेंटेन कर सके, मतलब कपड़े का हर चीज यहाँ मिल जाएगा। जी हाँ, चलिए चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। मेंस वेयर की तो वैरायटी बहुत हो गई, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है, छोटे बच्चों के लहंगे आते हैं। यहाँ एक प्यारी सी बेबी, हमारी सोनाक्षी, ये छोटी सी प्यारी सी बेबी ने लहंगा पहना है, तो आईडिया आ गया। बच्चों के लहंगे से लेकर बड़ों के लहंगे, यहाँ पर एक दुपट्टा, माता की चुन्नी से, ये देखिए माता की चुन्नी है, माता की चुन्नी से लेकर दुल्हन के जो हैवी दुपट्टे होते हैं, इसकी वैरायटी मिल जाती है जी। हम लोग यहाँ ब्राइडल कलेक्शन के डिपार्टमेंट में, और इसके ऊपर सोच रहे हैं कि यह बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है, बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं, और जब हर लड़की का हमें लगता है फेवरेट होता है। बिल्कुल, तो इसके ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, इस वीडियो में नहीं रखते हैं क्योंकि यहाँ ब्लॉग काफी लंबा हो जाएगा, एक अलग से वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में डिटेल में लहंगा का कलेक्शन आपको दिखाने वाले हैं, तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। नाइटी डिपार्टमेंट, ये हमारे किट्टू का फेवरेट है, नाइट सूट। लेकिन कंफर्ट वाली चीज होती है भाई, एकदम आराम वाली, तो ये वो चीज है, नाइटी और नाइट सूट। यहाँ पे कुछ सैंपल्स लगाए गए हैं, ये देखिए बहुत सारे सैंपल्स है, बहुत सारी वैरायटी है। आप इस साइड देख रहे हैं, वैरायटी ही वैरायटी है, इस साइड देख रहे हैं, हर जगह है। नेक्स्ट जो हमारा डिपार्टमेंट होने वाला है नाइटी और नाइट सूट के, नेक्स्ट जो है वो दुपट्टा डिपार्टमेंट है। यहाँ कुछ सैंपल्स लगे हैं, देख रहे हैं, वो डिजिटल प्रिंट के सैंपल्स लगे हैं। और अगर मैं आपको कोई दिखाऊं तो ये स्टॉल जो यूजुअली लेडीज गर्मियों में या चेहरा बांधने के लिए यूज करते हैं, ये वो चीज है, देखिए। और इसमें अगर कलर चार्ट की बात करूँ तो आपको ये सेट मिल रहा है, तो सारे कलर्स अलग मिल रहे हैं, और सारे के अंदर डिजाइन है वो भी अलग है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है अजमेरा से लेने का, कि आपको वैरायटीज काफी अच्छी यहाँ पर मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, वो होने वाला है जो टॉवल डिपार्टमेंट होता है। हमारे यहाँ हमने न्यू टॉवल्स का कलेक्शन, बिल्कुल जी, हम लोग इसको कहते हैं गमछा अपने भाषा में, बिहार में बोला जाता है। अच्छा, तो ये देखिए ये छोटू सा है, और आपको फुल लेंथ में टॉवल मिल जाएगा, रुमाल मिल जाएगा, हैंकी मिल जाएगा। ये देखिए छोटा सा है लेकिन कंफर्टेबल है बहुत ही ज्यादा, ये जा सकते हो जी। हाँ, इसके अलावा और भी किस कैटेगरी का टॉवल होगा अगर आप दिखा सकते हैं? जिसको साउथ इंडिया में कहते हैं, लुंगी की कैटेगरी हो जाती है, हैंकी की, रुमाल की, टॉवल्स की, और बहुत सारी वेराइटियाँ। नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारा होने वाला है किड्स वेयर का डिपार्टमेंट। अच्छा जी, किड्स वेयर में जो भी वेराइटी होती है, जैसे बॉर्न बेबी साइज से लेकर 15 साल के बेबी गर्ल और बेबी बॉय के कपड़े मिलते हैं, लड़का लड़की दोनों के साथ में जो भी ट्रेंडिंग कलेक्शन होता है वो ट्रेंडिंग कलेक्शन हमने यहाँ मेंटेन करके रखा है। देखते हैं मैम आपको इसमें से कौन सा बॉक्स अच्छा लग रहा है, क्योंकि बॉक्स के भी, क्योंकि जैसी चीज दिखती है वैसी बिकती है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या होने वाला है। तो ये बाबा सूट मिकी माउस का है, छोटा सा, उसके ऊपर इसका आप रेंज बता सकते हैं किस रेंज? मैं जानता हूँ कि आप एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकती, लेकिन एक अगर आप ओवरऑल रेंज बता दें, ताकि जो भी बिजनेस करना चाहते हैं इन सब चीजों का, उनको मालूम चल जाएगा कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आप बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हैं, इसके दो फैक्टर्स होते हैं, आप कहाँ से कर रहे हैं, घर से कर रहे हैं या शॉप से कर रहे हैं। बिल्कुल, घर से कर रहे हैं तो आपका नया होगा, तो आप स्टार्टिंग के तौर पे 25,000 से 30,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए। अगर शॉप से कर रहे हैं तो 1,00,000 से 1,20,000 जितना इन्वेस्ट कीजिए, और वैरायटी अपने पास रखिए, कस्टमर की जो नीड है, आपके आसपास के एरिया में कौन सी चीज सबसे ज्यादा डिमांड में होती है वो पता कीजिए, और फिर अपना बिजनेस आगे बढ़ाइए। क्योंकि हमारे पास तो ऑल ओवर इंडिया का टेस्ट है, लेकिन उसमें से कौन सा आपके यहाँ चलता है वो हमारे सेल्समैन लोगों को पता होता है, और यही चीज हम आपको बेचते हैं जो आपके एरिया में चलता है। अच्छा जी, चलिए। और ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 15,000 से 20,000 का ऑर्डर करना होता है, क्योंकि ये होल सेल प्राइस है, और आप इतने अमाउंट में घर से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी, यहाँ था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी स्पेशली बिजनेस करना चाहते हैं उनको मदद मिली होगी इस वीडियो से, कि आप यहाँ पर आइए, सूरत आइए, अजमेरा फैशन आइए, और यहाँ से सामान उठाइए और अपना जा करके
अपने शहर में जाइए लेकर के, अपना मार्जिन डाल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाइए। वैसे मैम मुझे लहंगा बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ उसमें एक डिटेल मतलब अच्छे से देखूं। अच्छा, लहंगे पर एक डिटेल वीडियो, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी आसानी हो। तो मैम आप समय दे देंगे उसके लिए? जी जी। और एक हाँ, क्या इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है? एक कुर्ती का जी, आपको जो अच्छा लगे वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। थैंक यू जी। मैम बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। तो आप लोग भी आइएगा तो उसे पता चल जाएगा तो कितनी अच्छी है। तो जी मैम के लिए तो एक लाइक बनता है कि अपना समय निकाल करके हमारे लिए यहाँ पर दे रही है समय, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। मैम को बताइए अपने चैनल के बारे में कि इतने ऑडियंस है यहाँ पर, तो आप लोगों के लिए यहाँ मैम तैयार हो चुकी है। तो अच्छा है जी, तो अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और जी इस वीडियो को एक शेयर तो बिल्कुल कर दे, ताकि जिनको भी अपना बिजनेस करना है उनको एक आइडिया हो जाएगा। जी जी। तो मिलते हैं जी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।